गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज योर मैथ पीरियड। आई विल टीच एक्सरसाइज 7.4। मैं आज आपको 7.4 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। 1 से लेकर के आपको मैंने 18 तक क्वेश्चन कराए हैं, आज मैं आपको 19 क्वेश्चन से आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए ध्यान से कॉपी निकालिएगा, डेट डालिएगा 6 नवंबर 2020, क्लास 1 और एक्सरसाइज 7.4 डालिएगा। इसके बाद आपको नीचे 9 से लिखना है डिवाइड ओरली, डिवाइड ओरली। ठीक, तो डिवाइड ओरली कैसे करना है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, 21.55 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए 21.55 को 10 से डिवाइड करना है। ठीक, तो जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक जीरो लगा हुआ है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमारा किधर जाता है, इधर की ओर होता है। जब मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है, 21.55 मल्टीप्लाई बाई 10 अगर करना है, देखिए समझने के लिए बताया जाता है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉइंट इधर चलता है, उधर चलता है कि इधर चलता है, ये आज आपको बताया जाता है। ठीक, समझ गया पूरी बात। अब देखिए हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 5 आ गया, ये 5, ये 1, ये हो गया। अब 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 2 नंबर से पहले, यहाँ पे 2 नंबर से पहले लगा हुआ, तो आंसर में भी 2 नंबर से पहले लगाना है, तो पॉइंट कहाँ लगा, बात समझ में आ गई। तो ये जो पॉइंट हमारा यहां पर लगा हुआ था वो कहां आ गया, एक नंबर पीछे खसक गया, खसक गया ना, एक नंबर पीछे खसक के यहां पर, क्यों, क्योंकि एक जीरो लगा हुआ, क्योंकि एक जीरो लगा हुआ। अगर दो जीरो लगे होते तो ये दो आगे खसक जाता, तो 2 पॉइंट आगे खसक गया होता। ठीक, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट उधर की ओर चलता है। ठीक बात, अब जब डिवाइड करेंगे इसका, अब जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट किधर चलेगा, देखिए 10 डिवाइडेड बाय 21.55, समझ गए पूरी बात। 10 गुणा 20, 20 आ गया, 1 में से 0 गया, 1 बचा है। अब ये पॉइंट को जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहले पॉइंट लगा देंगे, ये 5 हो जाएगा, 10 बन जाए 10 हो जाएगा, 0 5। अब ये वाला 5 कट जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा, 5 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो बढ़ जाएगा 10 5 50। अब पॉइंट कहाँ चला गया, अब पॉइंट यहाँ लगा था और यहाँ आंसर पे कुछ सकती कहाँ आ गया, यहाँ पे लगा था, यहाँ मतलब पॉइंट इधर चला, चला कि नहीं चला। तो मल्टीप्लाई में पॉइंट उधर चलता है और डिवाइड में पॉइंट इधर चलता है। जब 10, 100, 1000, 10000, 1 लाख इनके जब मल्टीप्लाई या डिवीजन होते हैं तो, समझ गए पूरी बात। अब देखिए यहां पर डिवाइड किया है, ठीक, यहां पर डिवाइड किया इसको हमने, ठीक, यहां पर इसको हमने डिवाइड किया, एक जीरो लगा था, पॉइंट इधर खसक गया, इधर खसक गया, तो 2.155। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है 20.3 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो दिया है, पॉइंट एक अंक आगे खसक जाएगा, एक पॉइंट आगे खसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.03। ठीक, अब क्या है 82.6 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए ये 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो पॉइंट खसक के कहां चला जाएगा, 1 2 यहां आ जाए, 2 अंक आगे खसक जाएगा, ठीक, 2 डिजिट्स आगे खसक जाएगा, यहां पे पॉइंट आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है 612.3 डिवाइडेड बाय 100। अब
इसको 100 से डिवाइड करना है तो 100 में 2 जीरो होंगे, तो पॉइंट जो है वो 2 नंबर आगे खिसक करके यहाँ पे आ जाएगा। आंसर में क्या लिखेंगे, 6.123। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1.4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक 1.4 में 100 से डिवाइड करना है, 100 में 20 है, पॉइंट के बाद ये दो नंबर खसेगा आगे, एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर हमको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 1, एक अपनी तरफ से जोड़ दिया, ये 0.014 इसका आंसर आ गया। समझ रहे हो ना, ठीक से आपको समझ में आ गया होगा ध्यान से। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है 0.8 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो है तो एक पॉइंट फंस के आ गए, 0.08 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर है 0.036 0.036 एंड डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड, 10 में एक जीरो है इसलिए पॉइंट एक नंबर आगे खिसक जाएगा, क्या हो जाएगा 0.00 और 36, ठीक बात। अब इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है 836.7 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 है, अब 1000 में कितने जीरो है, 30 है, 1 2 3 0 है, तो पॉइंट जो यहां पर लगा हुआ है वो तीन नंबर और पहले लगेगा, 1 2 3 यहां पर लगेगा पॉइंट, क्या आ जाएगा 0.8367। सबको समझ में आ गया। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है 2.7 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक। अब यहां 1000 से डिवाइड करना है 2.7 को, और यहां पर 1000 में कई जीरो है, 3 जीरो है, तो पॉइंट जो यहां पर लगा हुआ है वो तीन नंबर आगे खिसक जाएगा, एक नंबर ये, दो नंबर और, तो 0.0027 ये इसका आंसर आ जाएगा। सब ध्यान में आ गया आपको अच्छी तरह से। अब देखिए इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करनी है ध्यान से आप देखिएगा, ठीक। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है आपकी आरिबन 28 नंबर क्वेश्चन है, आरिबन 4.27 मीटर लॉन्ग इन कट इनटू 7 इक्वल पार्ट्स, 7 इक्वल पीसेस, PIECES पीसेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस, PIECE पीस, ठीक। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, एक रिबन जो है वो 4.2 मीटर लंबा है, ठीक 4.27 मीटर लंबा है वो। अब इस लंबे रिबन के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे 7 टुकड़े करने हैं, 7 पीस करने हैं उसको, जब 7 पीस करने होंगे तो एक फीते की लंबाई बतानी है, एक रिबन की लंबाई बतानी है, क्या करेंगे वहां पर हम डिवाइड करेंगे, वहां पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कॉपी पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सेवन इज डिवाइडेड बाई 4.27, 7 से 4.27 को डिवाइड किया, 7 से 4 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 छोटा है 7
डिवाइड नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा और आगे वाले नंबर को मिलाना पड़ेगा। अब आगे वाले नंबर की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट बीच में आ गया तो पॉइंट को यहां से उठा करके यहां लगा, समझ आ गई बात, समझ आ गई ना, यहां से उठा करके वहां लगा दिया, रास्ता खाली हो गया इसका, कितना हो गया ये 42 हो गया, कितना हो गया 42 हो गया। अब 7 से 42 में डिवाइड करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 6 जा 42, 6 बार में चला गया पूरा पूरा, तो यहां पर लिखा हमने 6 और 42 यहां पर लिखा और इसको आपस में हमने माइनस कर दिया, कट गया। अब क्या बचा, 7 बचाइए। अब 7 से जब हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 का टेबल वन बार में गया, 7 आ गया, ठीक। तो एक पीस की लंबाई कितनी हो गई, 0.61 मीटर, कितनी लंबाई हो गई, 0.61 मीटर, ये एक मीटर की लंबाई हो गई। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, आप क्वेश्चन को कॉपी में ठीक से करिएगा और ये जो 10,000, 1 लाख के जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो ये है इनमें पॉइंट्स किधर चलता है, किधर चलता है, इधर चलता है कब, कब राइट चलता है, कब लेफ्ट चलता है, इसकी जानकारी ठीक से आप कर लीजिएगा, समझ गए। इसमें आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। सबको समझ में आ गया, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट, थैंक यू।